हाय दोस्तों, रीसेल का प्रॉपर्टी है ये जेके आयरिस। जितेंद्र कपूर जो बॉलीवुड लेजेंड रह चुके हैं, जितेंद्र कपूर और एकता कपूर, इन दोनों के पार्टनरशिप में ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। जेके आयरिस उनके नाम से ही रखा हुआ है। मीरा रोड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट मैं बोल सकता हूँ। जिस तरह से इनका कैंपस का पूरा प्लानिंग किया हुआ है, करीबन 9 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है और चारों तरफ से इन्होंने बिल्डिंग बनाया है और बीच में सारी एमिनिटीज दिया है। खूबसूरत प्लानिंग है और इसी का रीसेल फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए देख लें आप इसके कुछ झलकी, उसके बाद इन डिटेल आपको दिखाता हूं। अभी जो कुछ झलकियां देखा है ना अपने जेके आयरिस का, इसका डिटेल मैं आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास भरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास भरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन के रिलेटेड अगर किसी क्राइटेरिया में आप हैं, टॉप अप लेना हो, बैलेंस ट्रांसफर करना हो, होम लोन लेना हो, तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपकी सारी लोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी सुलझा के देगी। अब आइए इसका डिटेल में देखिए जेके आयरिस का 2BHK कैसा है। अभी 2BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ जेके आयरिस का। यहाँ से 2BHK स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से खास क्या है ना, एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिल जाता है। फिर मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ये पहले इसका लेंथ देख लें। फ्लैट के अंदर जैसे आप आएंगे, ये देखिए इस तरफ डाइनिंग मिल रहा है, यानी कि खाना खाने के लिए टेबल है, और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। करीबन 10 फुट का हाइट है इस फ्लैट का। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम और हॉल, ये दोनों का बालकनी, रनिंग बालकनी है। यहाँ से आप दोनों को अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाऊँ यहाँ से माउंटेन व्यू, फॉरेस्ट व्यू बहुत ही खूबसूरत मिलेगा आपको हायर फ्लोर से। अब अंदर चलते हैं, आपको एक बार विंडो के साइड से दिखाते हुए आ रहा हूँ। किचन जो दिया हुआ है, एक तरफ यहाँ पे गैस प्लेटफॉर्म बना हुआ है और ये आपको मॉड्यूलर किचन हर एक फ्लैट में यहाँ पे डेवलपर ने खुद ने दिया है। ये अपर कैबिनेट्स आपको डेवलपर ने ही दिया है। गैस पाइपलाइन भी आप देखें तो आ चुका है। वॉशिंग मशीन का स्पेस अंदर बनाया हुआ है, ये वॉशिंग मशीन का स्पेस है इसका। ये तो मैंने आपको किचन दिखाया, फिर चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता, तो 2BHK के कॉन्सेप्ट ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता है। सामने इसमें भी आपको करीबन 4 से 5 फुट का एक्सटेंडेड बालकनी मिल रहा है, वो आप देखें। ये इसकी लेंथ है बेडरूम का, 6x6 का या 7x7 का भी आप बेड डालेंगे तो एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ से जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे, फिर चलते हैं इसका कॉमन वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में लास्ट में दिया है शावर एरिया, बीच में कमोड और स्टार्ट में बेसिन दिया हुआ है। ये हमने कॉमन वॉशरूम देखा, अभी मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और मास्टर बेडरूम की लेंथ मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी लेंथ है। 6x7 का बेड डाला हुआ है तो भी एक अच्छा खासा स्पेस इनको मिल रहा है, 4 से 5 फुट का जगह मिल रहा है, यानी कि बेडरूम की साइज बहुत अच्छी है। और इसके बाहर यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम और हॉल, ये दोनों का बालकनी, रनिंग बालकनी है। यहाँ से आप दोनों के लिए भी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से बालकनी से मिल जाता है। अभी क्या है, ये स्पेस जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब आप घर खरीदेंगे, घर खरीदने के बाद आप इसको बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। विंडो के साइड से एक बार इसका वॉशरूम देख लें। स्टार्ट में बेसिन,
शावर एरिया और उसके बाद कमोड, उसके बाद अंदर के साइड से मैं एक बार पूरे फ्लैट का व्यू दिखा दूं। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कॉस्मो लोकैलिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कास्टिज्म को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन टू ऑल कास्ट ये सोसाइटी है। अभी इसका देखते हैं बाहर पैसेज किस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट दिया हुआ है। दो स्टेयरकेस दिया हुआ है, बिल्डिंग का ओसी आ चुका है और 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। ये जो मैंने आपको दिखाया फ्लैट और पैसेज, इसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि ओपन स्पेस कैसा है, लॉबी वगैरह कैसा है वो भी दिखाता हूँ, वो भी आप घर बैठे देख लें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फोन करें। अभी मैं जेके आयरिश का एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ। इस तरफ वेटिंग एरिया दिया हुआ है नेम प्लेट के साथ है, ये इसका सर्विस काउंटर है और पूरे हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस मिल रहा है, फिनिशिंग काफी अच्छा, इन्होंने वेट्रीफाइड टायर इटालियन मार्बल गोल्डन प्लेट्स में काम किया हुआ है और ये 2 हाई स्पीड हाईटेक लिफ्ट दिया हुआ है। फिनिशिंग काफी सुंदर किया हुआ है। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि एंट्रेंस लॉबी बहुत मायने रखता है बिल्डिंग में, जब आप फर्स्ट कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक अच्छा इम्प्रेशन मैंने देखा है बनाता है। अभी आइए कुछ ओपन स्पेस दिखाता हूँ। ये इससे नीचे का पार्किंग स्पेस है, पूरा कवर्ड पार्किंग। अभी मैं आपको कुछ एमिनिटीज दिखाता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं और काफी बड़ा इन्होंने एरिया कवर किया है, काफी ब्यूटीफुल देखने में भी लग रहा है आप देख सकते हैं। और झाड़ वगैरह ग्रीनरी वगैरह भी अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। ये देखें तो जेके आयरिश का किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया एंड गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। इनका आर्किटेक्चर प्लान काफ़ी अच्छा है। और साइड साइड पे जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसका जॉगिंग ट्रैक है। घर से मेन एंट्रेंस दिखा रहा हूँ जेके आयरिश का, वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। काफ़ी बहुत कम बिल्डर ऐसे डेवलप करते हैं इतना सारा एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये क्लब हाउस है ये आप देख सकते हैं, और ये G+2 का खाली क्लब हाउस बना हुआ है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। और अभी मैं अंदर ये दिखाता हूँ, ये पूरा वेटिंग लॉन्ज है इसका। इस तरफ जिम्नासियम दिया हुआ है देख लें, और उसके आगे दिया हुआ है इंडोर गेम्स। इसके बाद चलते हैं, इसके ऊपर दिया हुआ है बैंक्वेट हॉल विद पेंट्री। ये एक बड़ा सा आपको यहाँ पे मिल रहा है बैंक्वेट हॉल। यहाँ पे आप देखें काउंटर मिल रहा है रखने के लिए फूड वगैरह, और एसी वगैरह फॉल सीलिंग लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। इससे अटैच्ड इस बैंक्वेट के लिए इससे अटैच इसका पेंट्री भी है, किचन भी है। इस तरफ आपको इस बैंक्वेट से अटैच्ड पूरा किचन का सेट सारा प्रोविजन किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ओपन टेरेस है, ये इसका पूरा एक ओपन टेरेस है। एक साथ में अगर सोसाइटी में 2 पार्टी ऑर्गेनाइज करना हो तो भी कर सकते हैं, एक यहाँ पे और एक इसके ऊपर भी देख सकते हैं टेरेस दिया हुआ है। एक तो टेरेस यहाँ पे है, ये इसका दूसरा ओपन बैंक्वेट हॉल है, इस तरफ भी उस तरफ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखें पूरे एमिनिटीज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिल रहा है। ये मैंने दिखाया आपको एमिनिटीज, एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, मेन एंट्रेंस दिखाता हूँ कैसा है। अभी मैं खड़ा हूँ इसके मेन, खर्च करते हैं जितना इन्होंने किया है, ये इसकी एंट्री है और ये इसका मेन रोड है। यहाँ से आगे से जाके जैसे आप राइट लेते हैं तो आपको हाईवे आ जाता है 2 मिनट में। आइए इसका डिटेल जानते हैं, क्या साइजिंग, प्राइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज वगैरह क्या दे रहे हैं ये। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट।
Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company Property Plaza Vikas Banwar. अब इसका 2BHK जो आपने देखा है ना जेके आर एस का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। विनय नगर में मीरा रोड ईस्ट में जेपी इंफ्रा के पास बना हुआ है। ये एक विंग अभी रेडी हो रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन्होंने डिलीवर किया हुआ है विद एमिनिटीज, पार्किंग एंड OC के साथ। एक साल पुरानी बिल्डिंग है, ज्यादा पुरानी नहीं है, नई बिल्डिंग है, अभी नई पोजिशन हुआ है। 16 माले का टावर है, 2 स्टेयरकेस, 2 हाई स्पीड लिफ्ट के साथ ये बना रहे हैं। 1 फ्लोर पे 5 फ्लैट है, सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, इसमें एक कार पार्किंग भी आपको दिया जा रहा है। गैस पाइपलाइन, MBMC, वाटर, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही उन्होंने हैंडओवर किया हुआ है। मिडिल फ्लोर पे ये फ्लैट है जो सेल करना है, 6th फ्लोर पे है और रेसिडेंशियल इसमें 1st फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। हिल व्यू फ्लैट है ये और ज्यादातर इसमें मेजोरिटी हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें लोन ले सकते हैं। अभी देखिए जितेंद्र कपूर इसके डेवलपर हैं, तो उन्हें तो पैसे के सब कुछ है नहीं, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद बेचना शुरू किया है। कोई इनका बाहर से बैंकिंग का फंडिंग नहीं, इनके खुद के पैसे से उन्होंने पूरा बनाया है। एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, गार्डन, वॉकिंग पाथ, बाइसाइकिलिंग ट्रैक, बैंकवेट हॉल, मंदिर, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, इंडोर गेम्स, टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे एमिनिटीज ये दे रहे हैं। कनेक्टिविटी यहाँ से ना 3 से 4 मिनट में आप हाईवे पहुंच जाते हैं, 5-7 मिनट के अंदर आप मेट्रो स्टेशन मीरा भाईंदर रोड पहुंच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ से कुछ आप सोचना ही नहीं है, यहाँ से अगर वॉकिंग भी आप जाएं तो 5 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे मीरा भाईंदर। मीरा रोड स्टेशन आप 10 से 15 मिनट के अंदर ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। डी मार्ट, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, सिनेमैक्स, ये सब भी आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं। LR तिवारी कॉलेज, SN कॉलेज, NL डालमिया कॉलेज, इस्कॉन मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, RBK स्कूल, ये सब बड़े ब्रांड के स्कूल, छोटे ब्रांड के स्कूल, सारे आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ही यहाँ से आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। 15 मिनट में आप संजय गांधी नेशनल पार्क, दहीसर भी पहुंच जाते हैं, ठाकुर मॉल वगैरह, और यहाँ से 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे, साइजिंग पे समझते हैं। 673 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है और 1,10,00,000 रुपया इनकी कोटिंग प्राइस है, नेगोशिएबल है। इसमें पार्किंग का ही कुछ 4-5 लाख रुपया तो पार्किंग का ही प्राइस है। अब ये 1,10,00,000 रुपये में अच्छा खासा कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट कैसा है। 2%, 3%, 4%, 5% तक भी डिस्काउंट हो सकता है, आपके पेमेंट के ऊपर ये चीजें डिपेंड करता है। इसमें कुछ फर्नीचर लगा हुआ है, जैसे आपने देखा कि AC लगा हुआ है, 1,50,000 रुपये का एक्स्ट्रा ये है। काफी सारी चीजें आप फर्नीचर में आपको बना बनाया मिल रहा है। ये इसका फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी वगैरह आपको अलग से आएगा दोस्तों। तो ये इसका रीसेल का प्रॉपर्टी था जो मैंने बताया जेके आयरिस का। इस तरह के अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, फायदे की प्रॉपर्टी, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी रहती है तो भी हमेशा मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूंगा सबसे पहले आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये भी एक अर्जेंट सेल है, वहाँ पे जनरली 130-140 का प्राइस चल रहा है 2BHK का विद पार्किंग का। तो ये एक अच्छी प्राइस दे रहे हैं जिसका बेनिफिट जल्द से जल्द उठा लें। आप प्रॉपर्टी खरीदने का देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं। तो ये एक अच्छा सौदा है, खरीदने के लिए आप जरूर फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। और कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, प्रॉपर्टी देखना हो, न्यू या रीसेल जो जो मैंने बताया है, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। यहाँ पे आप आए, मैं और यहाँ पे हमारे पूरी करीबन 100 लोगों की टीम है, आप मिल सकते हैं, जगह देख सकते हैं। हर दिन का एक वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, घर बैठे काफी सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के आप सब्सक्राइब करके रखें। ये 2 वीडियो हमने और डाला है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसको भी आप एक्सप्लोर करें, देखें, समझें, फिर खरीदने के लिए हमें फोन करें दोस्तों। मिलता हूँ नए वीडियो में नई प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।